आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर के निर्देशन में चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान में जवाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशीली कफ सिरप पकड़ी है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध NGPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर जवा थाना प्रभारी अजय खोब्रागड़े ने बताया कि एसटीओपी जभौरा अश्वनी कुमार के मार्गदर्शन में नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर सितलाहा पुल के पास एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल से आरोपी विपिन कुमार मांझी, पिता लालमन मांझी, निवासी बरौली ठाकुरान थाना जवा जा रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़कर उसके पास मौजूद झोले से 22 सीसी नशीली कफ सिरप जिसकी कीमत 3,740 रुपए जब्त कर आरोपी के खिलाफ NGPS एक्ट व मध्य प्रदेश ड्रग्स कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। पकड़े गए नशे के कारोबारी से पुलिस ने पूछताछ के दौरान कई अन्य नशे के कारोबारी के संबंध में भी जानकारी हासिल की है। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी कहां से यह नशे की खेप लाया करता था। हम आपको बता दें, तराई क्षेत्र में इन दिनों नशे का बड़े स्तर पर कारोबार संचालित किया जा रहा है। हालांकि पुलिस समय समय पर लगातार कार्रवाई कर रही है, इसके बावजूद भी इस पर नकेल नहीं कस पा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा के द्वारा नशा मुक्ति के अभियान चलाया जा रहा है, इसके तहत लगभग पूरी कार्रवाइयां की जा रही है। इसी के तारतम्य में दिनांक 7/9/2023 को एक विपिन मांझी, एक लड़का है, उसको 22 नग और एक सीसी प्रतिबंधित है, इसके साथ पकड़ा गया है। एक थैले में लेकर के जा रहा है, वहाँ पर उसे पकड़ा गया है और पकड़ करके अवैध ड्रग्स पाए जाने पर उसके लिए थाना जवाब में NGPS एक्ट और ड्रग कंट्रोल से अधिनियम के तहत अपराध कर लिया।